पाकिस्तान और नेपाल के बीच एशिया कप 2023 का पहला मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को चुना और 342 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। टीम ने इस दौरान अपने 6 विकेट खोए। टीम के लिए सबसे बड़ी पारी कप्तान बाबर आजम ने खेली, जिन्होंने 151 रन बनाकर टीम के लिए एक बड़ा योगदान दिया। बाबर ने इस दौरान 131 गेंदों का सामना किया और 14 चौके और 4 छक्के लगाए। बाबर आजम की बात करें तो उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में अपना 19वां शतक लगाया। बाबर आजम की एक और बड़े रिकॉर्ड की नजर डालें तो उन्होंने दुनिया में सबसे तेज 19 वनडे शतक के मामले में कई बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल बाबर आजम ने जैसे ही 19वां अपना ओडीआई क्रिकेट का शतक पूरा किया, बाबर आजम दुनिया में सबसे तेज ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में 19 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर आजम ने 19वें शतक को केवल 102 पारी में पूरा किया। इसके साथ ही हाशिम मामला का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके नाम 104 पारियों में 19 ओडीआई शतक थे। विराट कोहली तीसरे नंबर पर, जिनके नाम 124 पारियों के बाद 19 ओडीआई शतक आए। डेविड वार्नर के नाम 139 पारियों के बाद ओडीआई क्रिकेट में 19 शतक आए थे। एबी डिविलियर्स ने 171 पारियों में यह कारनामा करके दिखाया था। इसके अलावा रोहित शर्मा ने 181 पारियों के बाद 19 शतक लगाए थे और बाबर आजम ने 102 पारियों के बाद ही 19 शतक लगाने के साथ बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बाबर आजम के अलावा इफ्तिकार अहमद ने भी 109 रन की नाबाद पारी खेली और टीम ने 342 रन का बड़ा स्कोर लगाया। बाबर आजम के एक और बड़े रिकॉर्ड की नजर डालें तो बाबर आजम पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। बाबर आजम से केवल आगे सईद अनवर है, जिनके नाम 20 शतक हैं। बाबर ऐसे में अगर इसी फॉर्म के साथ बल्लेबाजी करते हैं तो वह जल्द ही पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। बाबर आजम के नाम 2 बड़े रिकॉर्ड रहे और नेपाल के खिलाफ एशिया कप के पहले मुकाबले में ही पाकिस्तान के कप्तान ने एक बड़ी पारी खेल करके अपनी फॉर्म को कहीं ना कहीं साबित कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।